शामिल करेंगे। आपको बताएं कि कसूर में भी कांगो वायरस से हिफाजती इकदाम किए जा रहे हैं। जानवरों में स्प्रे के लिए मुख्तलिफ कैंप्स भी लगाए गए हैं। एहतियाती तदाबीर भी लोगों को बताई जा रही है कि किस तरह से वो एहतियात करके खुद को कांगो वायरस से बचा सकते हैं। मजीद भी ये कहा जा रहा है कि चूंकि ईद कुर्बान करीब है और बड़ी तादाद में लोग ईद पर कुर्बानी के लिए जानवरों का इंतखाब और उनको खरीदने के लिए मवेशी मंडियों का रुख करते हैं और वहां पर अगर लोग जाएं तो वो हाथों पर ग्लव्स और मुंह पर कवर और इसके साथ साथ हल्के रंग के कपड़े पहने। मजीद तफसीलात जान लेते हैं, हमारे इस वक्त मौजूद हैं कसूर से सज्जाद अंसारी। सज्जाद, अपडेट कीजिए। जी, कसूर में भी कांगो वायरस की रोकथाम के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इस वक्त 3 पॉइंट पर जो है कैंप लगाकर स्प्रे किया जा रहा है, जिनमें इलाहाबाद, मुस्तफाबाद और पत्तों की शामिल है। इस वक्त हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नायोस्टाक खालिद बशीर साहब मौजूद हैं। उनसे भी बात करते हैं कि आगे इनके जो मवेशी जो अभी ईद के करीब जो आ रहे हैं उसके हवाले से नए कैंप भी लग रहे हैं और आगे इनके क्या इकदाम है। जी सर, बताएंगे कि कांगो वायरस के हिसाब से थोड़ा सा डिटेल से जरा बताएं कि कसूर में कितने पॉइंट अभी तक काम कर रहे हैं, तो आगे क्या आपके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक जनाब नसीम सादिक साहब की हिदायत पर हमने इस वक्त कसूर में 3 एंट्रेंस पॉइंट पे अपने अमला बिठाया हुआ है। एक मोटरवे टूल प्लाजा पतोकी मुल्तान रोड पे है, दूसरा हमारा टूल प्लाजा मुस्तफाबाद फिरोजपुर रोड पर है और तीसरा हमारा अलाहाबाद दीपालपुर रोड जो हम कवर करते हैं। जब ये पॉइंट बनेंगे बकर मंडी के तो उसके लिए क्या इकदाम है। अरे अभी फिलहाल वीकली मंडीज होती हैं, जिस तरह आज मंडे वाले दिन खुडिया में मंडी है, कल ट्यूसडे को अपना कसूर शहर में है और वेडनेसडे को पत्तोकी में है। उधर हमारा वेटरनरी ऑफिसर एक और दो वेटरनरी असिस्टेंट सुबह से शाम तक बैठे होते हैं और हर जगह पे जहां जहां जानवर हैं वहां पे उनको स्प्रे किया। जैसे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का कहना है कि लोगों को हिदायत की जाती है कि वो केयरफुल रहें और मवेशियों। ठीक है, बहुत शुक्रिया सज्जाद अंसारी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कसूर।